पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मोटरसाइकिल के अर्थी निकाल ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को धक्का मारकर साइकिल पर और पैदल शांति मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के अंत में ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश और प्रदेश में डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लेने और अन्य जनहितकारी मुद्दों के निराकरण की मांग सरकार से की गई। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ हाथों में तख्तियां तिरंगे झंडे लिए कांग्रेस जन मुख्य बाजार की सड़कों में होते हुए एसडीओपी कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी देवरी को ज्ञापन सौंपा गया। ये रैली जो है मुख्य रूप से मध्य सरकार और केंद्र सरकार की दोगली नीति के, जिसमें मिट्टी का तेल हो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, जिस तरह से लगातार 22-23 दिन रेट में वृद्धि की गई है, कहीं ना कहीं वो किसान जो कहीं ना कहीं अपनी खरीफ फसल की तैयारी कर रहे थे उनको परेशानी का सबब है। आज वो गृहणियाँ गैस के रेट बढ़ने से वो परेशान है, पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर वर्ग का आदमी परेशान है। परिवहन से लेकर हर क्षेत्र में इस महंगाई का दौर में कहीं ना कहीं मूल्य वृद्धि हो रही है। इसके अलावा स्थान स्तर की जो बहुत सारी समस्याएं हमारे क्षेत्र की थी, उन समस्याओं का चाहे नगर पालिका क्षेत्र की बात हो चाहे रेत अवैध और रेत उत्खनन, वो बड़े रेट पर ऊँचे रेट पर जो रेत बिक्री हो रही है उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ जैन मुनि का हमारे यहाँ सत्संग यहाँ आगमन हुआ था, कुछ निर्दोष लोग हमारे जो साथी हैं जैन समाज के जो समाज सुधारक हैं कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर छोटे मामले भारतीय जनता पार्टी के दलालों के कहने पर पुलिस बल के द्वारा कराए गए हैं, उसका भी हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया कि माफ़ किए जाएँ। और साथ ही दलित साथी जो कहीं ना कहीं कोरोना संकट काल में लॉकडाउन की स्थिति में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं बैंड बाजे वाले, उनके ऊपर भी झूठा मामला बनाया गया है। देवरी सागर से ब्यूरो रिपोर्ट।